ओके नाइन क्लास के बच्चों के लिए है, जो सेक्शन से ही होता है लास्ट सेक्शन जो होता है जिसमें हम थ्योरम्स होते हैं और शॉर्ट uh, क्वेश्चन के भी जो कुछ लास्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरम वाली एक्सरसाइजेज से आते हैं मैं वो मार्क करवाऊंगा इस वीडियो में सबसे पहले थ्योरम देख लेते हैं थ्योरम में आपके पास चैप्टर टेन का जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो टेन पॉइंट वन पॉइंट वन है टेन पॉइंट वन पॉइंट टू और टेन पॉइंट वन पॉइंट थ्री यानी चैप्टर टेन के फर्स्ट थ्री जो थ्योरम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर एलेवन के अलेवन uh, पॉइंट 11.1.5, 11 11.1.3 ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं उसके बाद चैप्टर 12 के कोशिश करें कोशिश करें कि तमाम करें इसमें कोई भी लीव ना करें लेकिन मैं बेसिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने 1.1, पॉइंट वन फोर एंड सिक्स लिखवा दिया है बाकी टू फाइव और या सिक्स इस तरह ये एक दूसरे के रेप्लिका हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं कन्वर्स हैं है। तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन मेरी सजेशन uh, ये है कि सारे कर लें इसी में से आपका थ्योरम एक हो जाएगा तो बाकी की टेंशन भी नहीं रहेगी चैप्टर थर्टीन आप लीव कर सकते हैं फोर्टीन का आप रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसमें से लाजमी पिक होता है शॉर्ट के पोर्शन में या लॉन्ग के पोर्शन में फिफ्टीन का थियोरम uh, और सिक्सटीन का थियोरम टू तो फिफ्टीन का पहला और सिक्सटीन का दूसरा तो ये तो आपके पास गए जी थ्योरम्स अब आपके पास जैसे मैं बताता हूँ जैसे ये सिक्सटीन की रिव्यू एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज एंड की है ये सिक्सटीन चैप्टर की तो सिक्सटीन चैप्टर में जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू है इसको बहुत अच्छे से करके जाए आप लोग ठीक है तमाम बच्चे इसमें जैसे चार शेप दी हुई है इनका एरिया निकालना है शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन जो है वो उनके लिए भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चार शेप्स हैं ये सिक्सटीन चैप्टर का लास्ट पेज बनेगा तो उसमें आप ये मार्क कर लें ठीक है इसके बाद आपके पास आ जाता है 15 15 में बच्चों ये जो क्वेश्चन हैं मैंने मार्क कर देता हूं थोड़ा डार्क करके रिव्यू एक्सरसाइज पूरी जो 15 की रिव्यू एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट के लिए ये लाजमी करें खास तौर पर जो ये शेप्स दी हुई हैं इनका आपने अन साइड्स निकालनी है यानी विड आई पॉट नहीं बेस पर पर्टिकुलर कुछ भी निकालना है तो ये लाजमी करें एक्सरसाइज 15 अच्छे से करें चैप्टर की जिसमें ये तीन चार शॉर्ट के लिए या MCQs के लिए आ सकते हैं उसके बाद 14 है। 14 की exercise, again, वहां पर फोर्टीन की जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज ही लिखी है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के जो सवाल हैं मॉडल पेपर्स में पेपर्स में लाजमी दिए जाते हैं और बोर्ड में भी दिए जाते हैं उसके बाद आपके पास बच्चों आ जाएगा चैप्टर थर्टीन थर्टीन में आ, आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिव्यू हो जाएगी लेकिन वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर ट्वेल्व ये जो क्वेश्चन है रिव्यू के ये पैरेलल परपेंडिकुलर ये राइट बाई सेक्टर एंगल बाय सेक्टर ये लाजमी करने हैं आपने ठीक है एंड से so, आप लोग इनका सोल्यूशन देख लिएगा टीचर से कर लिएगा या खुद कर लिएगा या इंटरनेट से मिल जाएंगे ये लाजमी तैयार करने हैं इनको आपने छोड़ना नहीं है ज़्यादातर बच्चों का फोकस पहले पांच छह चैप्टर्स पर होता है का छोड़ के चले जाते हैं और पेपर उनमें से भी अब आने शुरू हो गया और ये चैप्टर कौन सा है 11। इलेवन इलेवन का क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स रिव्यू एक्सरसाइज में फोर थ्री टू ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद टेन का क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन थ्री फ़ोर मतलब रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करनी है आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं टेन की इलेवन की ट्वेल्व की थर्टीन की फोर्टीन की थर्टीन को छोड़ दे सकते हैं यह आपने लाजमी बहुत अच्छे से कैटर करनी है ठीक है ताकि आपका पेपर कंप्लीट सेवेंटी फाइव मार्क्स का हो सके रहना चाहे एंड से